हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो हैं सरसों का फूल तोड़ने जा रहे हैं खेत की तरफ। देखिए, उसकी आज चटनी बनाएंगे सरसों के फूल की। ये देखिए, हम लोग खेत की तरफ आ गए हैं। देखिए हमारा मरचा कितना अच्छा फरा है, छोटा छोटा फरा है। अच्छा, मिर्चा निकला है? देखिए फरा नहीं है, चल गया। अरे कितना अच्छा लग रहा है ना, छोटे छोटे मिर्चे निकले हुए हैं। ये देखिए, ऐसे मिर्च भी निकली हुई है, लेकिन यहाँ से दिख नहीं रहा है, बहुत दूर आगे है। बढ़िए। देखिए उसमें उस वाले पेड़ में बहुत ज्यादा है। आपको हरी मिर्च दिखाते हैं। ये देखिए, हरी मिर्च टंगी हुई है इसमें, तो कितने अच्छा लग रहा है। मोटी मोटी मिर्च निकल रही है। अचार बनाने वाला है। अचार बनाने वाला, ये जो अचार बनाते हैं मिर्ची का, जो बड़ी बड़ी होती हैं, इसमें चाहे पकोड़े भी बनाते हैं, अचार भी बनाते हैं। देखिए कितनी मोटी मोटी मिर्च है। सरसों का फूल, आज इसकी चटनी बनाएंगे। ये देखिए सरसों का फूल, ये देखिए, अब इसके हम फूल तोड़ेंगे, ये इसकी चटनी बनाएंगे। इधर को दिखा, ये देखिए इसके फूल की, इसको तोड़ लेंगे। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ। रुक दीजिए फ्रेंड्स, ये सरसों का देखिए, कुछ कुछ पौधों में ये सरसों के दाने भी आ गए हैं, फल लग गया है। फल आ गए हैं इसमें। ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये हैं इसमें दाने। अभी जब और पकेंगे तब जाके ये निकलेंगे, इसके अंदर से निकलेगा। ये देखिए आपको दिखाते हैं, अभी इसके अंदर जो है खूब छोटे छोटे से होंगे, अभी पता नहीं चलेगा, बहुत छोटे होंगे। और इसी जब पक जाएगा ये, तो इसी में से जो निकाल के जो है सरसों का तेल निकालते हैं। ये देखिए कितने सारे इसमें फरे हुए हैं, सब में बीज आ गए हैं, फल पूरे आ गए हैं। देखिए इसके अंदर फ्रेंड्स, ये देखिए ये आलू है, आलू का पौधा। ये देखिए ये आलू के पौधे हैं, ये पूरे खेत में आलू लगे हुए हैं, अभी हुआ नहीं है। इसमें क्या फूल हो लाएगा? नीचे नहीं, फूल नहीं आएगा, नीचे फल धरेगा। फूल उल कुछ नहीं होता इसमें, पूरे खेत में आलू लगे हुए हैं। चटनी में डालने के लिए लहसुन भी तोड़ रहे हैं हम लोग, हरा लहसुन। रहने दे, हो जाएगा। थोड़ा और ले लीजिए, ज्यादा हो जाएगा। हाँ ठीक है, रहने दीजिए। बोलते हैं ना, क्या करौंदा है? हाँ। इसका अचार भी तो बनता है। हाँ, हो गई। हाँ आंटी जी, भोजन हो गई। हाँ चटनी बन गई। चटनी बनाने जा रहे हैं अभी, बने जा रहा है। हाँ ठीक, तो चटनी के लिए सरसों का फूल तोड़ के लाए हैं, लहसुन तोड़ के लाए हैं। अच्छा, कब बनी? अभी बनेगा। जा रहे हरी मिर्च अब तोड़ने चटनी के लिए। अरे ये तो घुस रहा है मिट्टी में, ये हरा मिर्च, हरी मिर्च, इसको तोड़ लेंगे, चटनी में डालेंगे। अच्छी खासी हरी मिर्च निकली है। अब हम जो है चटनी को पीस लेंगे, इसी में नमक भी डाल लेंगे। ये हमारी भाभी हैं, सिल पे चटनी बना रही हैं सरसों का, सरसों के फूल की। सरसों तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है फूल, इस समय ठंडी में सरसों के फूल काफी मिल जाते हैं, हर जगह खेतों खेतों में सरसों के फूल ही नजर आ रहे हैं। अगर आपके पास लहसुन के पत्ते नहीं हैं, तो आप लहसुन की कलियां भी डाल सकते हैं। चटनी हमारी अब तैयार हो चुकी है। अब जरा सब लोग टेस्ट करके बताइए आंटी जी। अब बहुत अच्छा है, लेकिन बुझाता नहीं है, सरसों का साग है।
ठीक तो बा, चटनी तो बहुत मस्त बनल बा। हाँ बहुत मस्त बा, इतना चटनी मस्त बनल बा का चाहे। आप लोग भी ट्राई करिएगा सरसों के फूल की, सबने खाया है इसमें से, बहुत टेस्टी बनता है ये। अगर आपके पास लहसुन की पत्तियां नहीं है, हरी पत्तियां, तो आप उसमें लहसुन की कलियां भी यूज कर सकते हैं, बस बना लीजिए और आप भी बताइएगा कैसा बना है, कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। ब्लॉग विद तनु जैन, प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब।